हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए डबल कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो बेबी स्वेटर के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और वैसे कोई भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं इसे। ये हमारी रो वन आ गई, इसमें 8 के मल्टीपल में फंदे डालेंगे और जब ये बन जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसको आप मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ हाफ स्वेटर में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। पहला फंदा स्टिच लेके हमने ब्लू कलर का 5 फंदे सीधे बना लेने, फिर ये हमारे 3 फंदे आ जाएंगे वाइट कलर से। आप कोई भी कलर ले सकते हो, मैंने ये वाले 2 कलर किए मैच। ये 5 कलर हमारे ब्लू कलर के, और ये 3 कलर हमारे, 3 फंदे हमारे वाइट कलर के। ये 5 3 5 3, इसलिए 8 के मल्टीपल में फंदे डालेंगे। आप अपने हिसाब से फंदे डाल सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मेरा 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी सपोर्ट करो। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका तो बहुत बहुत थैंक्स है। ये हमारी आ गई रो 2, इसको ध्यान से देखते रहना बिना स्किप करके। अभी हमारी रॉन्ग साइड आई है उल्टी साइड से। ये जो 5 हमारे नीले सीधी साइड से भी हमने सीधे बनाए थे, तो रॉन्ग साइड से भी हमने इसको सीधा ही बना लेना। अभी हमारे जो वाइट कलर के सीधे बनाए थे, ये रॉन्ग साइड से 3 हम इसको उल्टा बना लेंगे। जो ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर जो हमारा राइट साइड से भी सीधा ही बनाएंगे और रॉन्ग साइड से भी उसको सीधा ही बनाएंगे। और जो हमारा वाइट कलर दिखाई दे रहा है उसको हम राइट साइड से सीधा बनाएंगे, लेकिन रॉन्ग साइड से हमने इसको उल्टा ही बना लेना। 3 ध्यान से देखते रहना इसको बिना स्किप करके, बहुत ही आसान है। और ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये हमारी सेकंड रो है। ये 3 फंदे हमारे उल्टे, फिर ब्लू वाला धागा आगे करके ये 5 फंदे हमारे सीधे, 4, और ये लास्ट वाला फंदा भी हमने ब्लू से बना लिया। ये हमारी जो थर्ड रो है और जो फोर्थ रो है वो ऐसी रिपीट होगी जैसे हमने रो 1 और 2 बनाई थी, सेम वैसे ही बनेगी। मतलब 2 सिलाई सीधी साइड से और 2 सिलाई उल्टी साइड से, 4 सिलाइयाँ बना लेंगे हम। जैसी फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही थर्ड बनाएंगे, और जैसी सेकंड बनाई है वैसी फोर्थ बनाएंगे। और उसके बाद ही हमारी रो 5 आई है। हम लेंगे पहले, अब हमने कलर चेंज करना है, ये वाइट कलर से हमने बनाना है। हमने पहले तो स्टिच ऐसे बनाएंगे, फिर 3 फंदे वाइट के, और ये जो हमारे वाइट 3 दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर हमने 5 कलर ब्लू से बनाना है। ओ 5 फंदे जो हमारे ब्लू कलर से बनाने, सॉरी, फिर जो 3 फंदे हमारे वाइट है, ये हमारी रो 5 है। इसमें हमने पैटर्न चेंज करना है। ध्यान देना ये 3 फंदे हमारे वाइट हैं, उससे एक पहले और एक बाद में, ये टोटल 5 हो जाएंगे। और ये 5 को हमने ब्लू कलर से बना लेना। ये 5 हो गए, फिर 3 हमारे वाइट कलर से आ जाएंगे। बिना स्किप करके देखते रहना, इसको बहुत आसान है और समझ भी आ जाएगा, एकदम सिंपल है। जो हमें कई बार डिज़ाइन नहीं मिलते जल्दबाजी में बनाने के लिए, तो उनके लिए ये बेटर है, लगता भी सुंदर है। यहाँ देख कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारी आ जाएगी आगे नेक्स्ट रो 6। ये जो वाइट कलर है इसको हमने रॉन्ग साइड से उल्टा बना लेना, और ये ब्लू को हमने रॉन्ग साइड से भी 5 हमने सीधे बना लेने। इसे वाइट कलर से हमने 3 उल्टे,
और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए फिर से रिक्वेस्ट करी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जो मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक वॉच करना। यहाँ से सीधा हो गया, ओके, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।